रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अपनी अंतिम सांसें ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। बीती रात उनकी आंखें बंद हो गई और वे गहरी नींद में चले गए। रतन टाटा के निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। राजनीतिक जगत से लेकर बिजनेस टाइकून और फिल्म इंडस्ट्री तक हस्तियां अपने अपने तरीके से देश के रतन को श्रद्धांजलि दे रही हैं। पीएम मोदी ने रतन टाटा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने खुद को कई लोगों का प्रिय बना लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए रतन टाटा के साथ बिताए उनके पलों को साझा किया और दुख जाहिर किया। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई, ऐसे उनका कर्तृत्व था। और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े
व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर देश के कोहिनूर को श्रद्धांजलि दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा, गूगल में रतन टाटा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका दृष्टिकोण सुनना प्रेरणादायक था। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और उन्होंने भारत में आधुनिक व्यवसाय नेतृत्व को सलाह देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत को बेहतर बनाने की काफ़ी चिंता थी। उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ और श्री रतन टाटा जी को शांति मिले। रतन टाटा के निधन की खबर से फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। अजय देवगन ने शोक जाहिर किया, दुनिया एक दूरदर्शी के निधन पर शोक मनाती है। रतन टाटा की विरासत पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भारत और उससे परे उनका योगदान अतुलनीय है। हम अत्यंत आभारी हैं। आराम करें सर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट के जरिए दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, अपनी दयालुता से आपने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आपके नेतृत्व और उदारता की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया उसके प्रति आपके अद्वितीय जुनून और समर्पण के लिए धन्यवाद। आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आपकी बहुत याद आएगी सर।